स्टूडेंट्स, क्लास सेवेंथ मैथमेटिक्स का चैप्टर फोर हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। उसमें सिंपल इक्वेशंस में पार्ट फोर हमारा रहेगा, जिसमें हमारी एक्सरसाइज रहने वाली है, सेकंड एक्सरसाइज। ठीक है, अभी हमने पार्ट थ्री के अंदर ये सीख लिया कि इक्वेशन को आप सोल्व करके अननोन वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो ये एक्सरसाइज उसी के ऊपर बेस्ड है। नाउ गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड सोल्व द इक्वेशन। देखिए, अभी हमें यहाँ पर स्टेप्स बताने हैं कि अभी आप कैसे सोल्व करेंगे। तो मैंने जैसे भी आपको बताया था पार्ट थ्री में, उसी को यूज करते हैं। मेरे पास है 3n-2 इज इक्वल टू 46, 3n-2 इज इक्वल टू 46। आपको यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है। तो पहला स्टेप आप क्या लेंगे, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। देखिए, यहाँ पर मेरे पास -2 है, मुझे इसको पहले हटाना है। कैसे हटाएंगे, आप बोलेंगे एडिंग टू, है ना, मैं टू को दोनों साइड पर ऐड कर दूंगा, एडिंग टू बोथ साइड्स। ओके, दोनों साइड पे आप टू ऐड कर देंगे तो क्या मिला आपको, 3n-2+2, इट गिव्स यू 46+2। नाउ यू नो दैट 2-2 इज 0। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आई एम लेफ्ट विद 3n इज इक्वल टू 46+2 विच इज 48। पहला स्टेप हो गया मेरा, मैंने दोनों साइड पर 2 ऐड किया। नाउ माई इक्वेशन इज 3n इज इक्वल टू 48। तो आप क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। अब बेटा मेरे पास यहाँ पर 3 है ना, तो मैं दोनों साइड पर 3 से डिवाइड करूंगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। देखिए क्या बन जाएगा, 3n डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 3। 3 बाय 3 इज कैंसल्ड, 48 डिवाइडेड बाय 3 इज 16। तो व्हाट इज माय आंसर, n इज इक्वल टू 16। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 48 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 16। तो ये हमने सिर्फ दो स्टेप लिए, दो स्टेप में आपका आंसर आ गया। एक बार मैंने 2 को ऐड किया, एक बार मैंने 3 को डिवाइड किया। नाउ लेट अस सी अवर पार्ट बी। पार्ट बी में आपको क्या करना है, देखिए, हेयर यू नीड टू सोल्व 5m+7 इज इक्वल टू 17। अब आप स्टेप क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 7, सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम बोथ द साइड्स, और यू कैन से फ्रॉम LHS एंड RHS। 7 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला, 5m+7-7=17-7। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास क्लियर है, 7-7 इज 0, तो यू आर लेफ्ट विद 5m, 17-7 इज 10। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सोचिए, हमें क्या चाहिए होता है, हमें फाइनली वेरिएबल को अलग करना है। उसके साथ अभी मेरे पास क्या है, 5 है मल्टीप्लिकेशन में, तो आप क्या बोलेंगे, डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड्स। ठीक है, डिवाइडिंग LHS एंड RHS बाय 5, आप दोनों साइड पर डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 5m/5 इज इक्वल टू 10/5। व्हाट इज 5m/5, दिस इज कैंसल्ड, सो आई एम लेफ्ट विद m ओनली, एंड 10/5 इज 2। तो ये हो गया हमारा स्टेप्स के साथ इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने दो पार्ट डिस्कस किए हैं कि आप अननोन वेरिएबल को कैसे निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें फिर से अननोन वेरिएबल फाइंड आउट करना है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो फर्स्ट इक्वेशन इज 10p इज इक्वल टू 100, वी हैव 10p इज इक्वल टू
100, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी। देखिए मैंने आपको डायरेक्ट भी बताया, आपको धीरे धीरे ये भी देखना है। अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने दोनों साइड पर 10 से डिवाइड करना है, आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा स्टेप क्या बनेगा, डिवाइडिंग एल एच एस एंड आर एच एस बाय 10, दिस इज कैंसल्ड, तो 100 डिवाइडेड बाय 10 इज 10 ओनली। तो मेरा आंसर आ गया पी इज इक्वल टू 10, ठीक है, फर्स्ट पार्ट डन, इतना सही सिर्फ। लेकिन आपको फोकस करना है कि ऑपरेशन हम क्या लगा रहे हैं। नाउ आई हैव 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100। सबसे पहले आपने ये नहीं करना है कि आपको इसको सीधे सीधे आप डिवाइड कर दो, दैट वी कैन डू, बट स्टार्टिंग में मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। सबसे पहले आपने देखा कि मेरे पास एक टर्म प्लस की है, तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड पर आप 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑन एल एच एस साइड एंड आर एच एस साइड। तो दिस इज माई फर्स्ट ऑपरेशन, मैंने दोनों साइड पर 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। नाउ इफ आई एम सब्ट्रैक्टिंग 10 बोथ साइड्स, ये 10 माइनस 10 आपका 0 हो गया, यू आर लेफ्ट विद 10p ओनली। 100 माइनस 10 इज 90। अभी आपको, जैसे आपको पता है कि हमें p को सेपरेट करना है, p के साथ मेरे पास क्या है, स्टिल वी हैव 10, तो आई विल से मैं दोनों साइड पर 10 से डिवाइड कर दूंगा। दोनों साइड पर आपने नेक्स्ट ऑपरेशन में 10 से डिवाइड कर दिया। नाउ आई एम लेफ्ट विद p इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया p इज इक्वल टू 9। ऑपरेशंस का ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन हम कौन से लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं। नाउ विल डू अवर पार्ट सी। देखिए पार्ट सी में क्या है हमारे पास, वी हैव 2q माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू इज, दोनों साइड पर आप 6 को ऐड कर सकते हैं, बिकॉज मेरे पास यहां पर माइनस 6 है, तो मैंने दोनों साइड पर 6 को ऐड कर दिया, ठीक है। ये तो 0 हो गया मेरे पास, तो 2q इज इक्वल टू 6। नाउ यू विल से डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, दोनों साइड पर आप 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा, आई विल से 2q डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2, सो यू आर लेफ्ट विद q इज इक्वल टू 3, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3, सो दिस इज माय आंसर, ठीक है। तो फोकस आपने इस चीज पर करना है, हमारा ऑपरेशन हम किस सीक्वेंस में लगा रहे हैं। 2q इज प्लस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ अभी मेरे पास यहां पर प्लस 6 है, तो आप क्या बोलेंगे, दोनों साइड पर मैं 6 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, 6 माइनस 6 इज 0, तो 2q इज इक्वल टू माइनस 6, 2q इज इक्वल टू 0 माइनस 6, 0 माइनस 6 इज माइनस 6। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, इसके लिए आप क्या करेंगे, दोनों साइड पर आप 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। मुझे q को सेपरेट करना है, q के साथ 2 है मेरे पास ऑलरेडी, तो मैंने दोनों साइड पर 2 से डिवाइड कर दिया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, माइनस 3, दिस इज माय आंसर। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का। हमने सिर्फ इसमें इतना समझा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दी हुई हो, आपने उससे अननोन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, अननोन वेरिएबल आप कैसे फाइंड आउट करोगे जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है।